हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज पटेल है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज काफी लोगों ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर ये कोरोना वायरस खत्म होने के बाद हमारा न्यू एकेडमी ईयर कब से चालू होगा, उसका एडमिशन कब होगा। दोस्तों जानना है इसके बारे में, तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उस क्लिप को पूरा देखना, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज जाओ, आपका दोस्त बोनस जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। एक मिनट लगेगा, वीडियो खत्म होने के बाद आप वीडियो को शेयर करना। 3 मई को लॉकडाउन खुलने के बाद स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या रहेगा, जिस तरह की यह महामारी है, आने वाले समय में स्कूल बच्चों को कैसे भेजेंगे? बहुत अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है गौरव गौतम जी ने। मैं समझता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी हमें, मुझे लगता है कि मई के आगे भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बीमारी के लक्षण जिस प्रकार के हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग ही उसका एक इलाज है। कोई इसका, इस वायरस का कोई भी उसके लिए कोई भी वो बना नहीं है, दवाई नहीं बनी है उसके लिए। तो इसलिए इसको कब तक हमको रखना पड़ेगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्लासेस अभी नहीं लगेंगी। इसके लिए जो ऑनलाइन पढ़ाई के सिस्टम ये हमने बनाए हैं, बहुत से ऐसे उनके जो लेसन हैं अध्यापकों ने, प्राध्यापकों ने उसको ऑनलाइन डालना शुरू कर दिया है कि कभी भी उसको सुन सकते हैं, उससे पढ़ाई कर सकते हैं। एजुसेट के माध्यम से जितने चैनल्स हैं उन चैनल्स के माध्यम से हम क्लासे लगवा रहे हैं, वो सिस्टम भी सारा तैयार है, उसका भी बहुत प्रचलन हो गया है, और मुझे लगता है उसमें जिन लोगों की रुचि बनी है वो लगातार उन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो इसलिए डिस्टेंस लर्निंग के सारे प्रोग्राम जो लागू किए हैं, हम इन बच्चों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, किसी का साल नहीं खराब होने देंगे, समय के हिसाब से उनकी पढ़ाई और उसी अनुकूल उनकी परीक्षा के सिस्टम ये सब बनाए जाएंगे, ताकि किसी की योग्यता कम ना हो, योग्यता उसकी बढ़े। बल्कि लॉकडाउन में तो मैं समझता हूँ इस चुनौती को एक अवसर के रूप में हमको उपयोग करना चाहिए कि इसमें कंसंट्रेशन बढ़ा करके अपने घर में रह करके और हम अपनी पढ़ाई की ओर मन लगाएंगे, तो शायद योग्यता में एक ओपन स्कूल और कॉलेज की बजाय डिस्टेंस लर्निंग से हम ज्यादा योग्यता ले सकते हैं, ये भी उसका लाभ हो सकता है।